So here he हेलो is, हेलो हेलो Mr. एवरीवन। Nirmal Soni for everybody. यस हाउ आर Nirmal यू? ji, good evening. I am गुड very इवनिंग fine. How are you? एकदम बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया. सो 214 लोग अब लाइव हैं. मैंने अभी उनको एक छोटा सा ब्रीफ दिया है इस सेशन के बारे में. दिस सेशन इज कॉल्ड आर्ट एंड द आर्टिस्ट्स. दिस इज एपिसोड 2 ऑफ द सीरीज. और यहाँ पर हम अच्छे कलाकारों को और अच्छे आर्टिस्ट को ला करके इंटरव्यू करते हैं. आज मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने बिजी समय में से, आपके व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला और इस सेशन पर आप आए हैं. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मैं तुम्हें भी थैंक यू कहना चाहूंगा कि एक नए प्लेटफॉर्म पे आज तुम मुझे लाइव लेके आए हो, नए लोगों को मिलने का मौका मिलेगा, तो मेरे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, तो तुम्हें भी थैंक यू. सो विद इन फर्स्ट मिनट ऑफ गोइंग लाइव 428 पीपल आर वॉचिंग अस. एंड अभी उम्मीद है कि ये जो काउंट है ये बढ़ता जाएगा. बहुत सारे सवाल आएंगे तो मैं एक एक करके सारे सवाल लूंगा. ये एक 30 to 40 मिनट के बीच का सेशन होगा जिसमें मेरे अपने कुछ सवाल है जो ऑडियंस की तरफ से. एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो जब से मैंने ये प्रमोशन शुरू किया है कि निर्मल सोनी, डॉक्टर हाथी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज कमिंग ऑन लहर, सो मेनी पीपल हैव मैसेज मी पर्सनली ऑन फेसबुक, ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स. और सब लोग ये भी कहने लगे थे कि भैया मुझे निर्मल जी का नंबर दो, मुझे उनसे बात करनी है, वो कहाँ रहते हैं, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनसे मिलना है. तो मैंने कहा वो पॉसिबल नहीं, लेकिन एक चीज पॉसिबल है कि आप अपने सवाल आज शाम के सेशन में उनसे पूछ सकते हैं. तो कुछ सवाल है जो उन लोगों ने भी मुझे भेजे जो मैं आपसे जरूर पूछूंगा. और इन सारे सवालों को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक पर्सनल इंट्रोडक्शन जानना चाहता हूं कि निर्मल सोनी को डॉक्टर हाथी के रूप में और एक एक्टर के रूप में पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है. हु इज निर्मल सोनी एज अ पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन? देखिए मैं बहुत ही सिंपल हूँ. लाइक जैसे लोग बोलते हैं ना कि जो एक्टर होते हैं बहुत ग्लैमरस होते हैं, बहुत स्टाइलिश होते हैं, तो मैं बहुत ही सिंपल हूँ. लाइक काफी लोग मुझे जब आके मिलते हैं ना तो बहुत डरते हैं या बात करने से झिझकते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप इतना झिझकते क्यों, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ. तो बस हाँ, मैं एक मैं कलाकार हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ. इसके अलावा मैं बहुत ही सिंपल बंदा हूँ, जो जैसे तुम हो बाकी लोग हैं वैसे ही सिंपल हूँ. कोई मेरे कोई दो सींग नहीं लगे हुए हैं, बहुत ही सिंपल हूँ, सिंपल लाइफ जीता हूँ. आई एम फ्रॉम गुजराती फैमिली, तो बहुत ही सिंपल और स्पेशल कुछ नहीं है ऐसा. तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि निर्मल सोनी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए, वो कहाँ पे उनकी पैदाइश हुई, कहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, उनकी फैमिली कैसी है. तो एक आपका बैकग्राउंड, एक आपकी जर्नी, ये आप हमारे सारी ऑडियंस को जरूर बताएं. देखिए बेसिकली आई एम फ्रॉम गुजरात, पर मेरे जन्म से पहले ही मेरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी. तो बॉर्न इन दैट मुंबई एंड मैंने स्कूलिंग भी मुंबई से ही की है. हाँ, मैं कॉलेज नहीं गया क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जिससे मैं आगे पढ़ नहीं पाया. तो मैं अपने फैमिली बिजनेस में था. हमारा गोल्ड का बिजनेस था, लाइक आई एम अ गोल्ड स्मिथ. तो हमारा गोल्ड का बिजनेस था, पर मुझे वो बिजनेस में कभी इंटरेस्ट नहीं था. लाइक हमारी फैमिली में कैसा होता था कि घर का बिजनेस है तो घर का बच्चा बिजनेस संभालेगा, पर मेरा कभी बिजनेस करने का, मैं कभी बिजनेस माइंडेड नहीं था. मुझे हमेशा से कुछ ऐसा करना था कि लोग मुझे जाने पहचाने, पर तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे जाने. देन एक टाइम पे मुझे एक ये एक्टिंग का थॉट आया और मैंने सोचा हाँ ये मैं कर सकता हूँ. और इवन स्कूल वगैरह में मैं प्ले में पार्ट लिया करता था, तो मुझे ये मैं कर सकता हूँ और मैंने स्टार्ट किया. और देखो आज आप लोगों के सामने हूँ मैं. सुपर. तो अब ये अगला सवाल जो है इसी के कंटिन्यूएशन में है कि आपका बैकग्राउंड हो गया, फिल्मी करियर और एक्टिंग के करियर की शुरुआत कैसे हुई? देखो जैसे आप लोग जानते हो कि सबसे पहले एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप मुंबई में रहते हो, तो कोई भी एक्टर के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप जब मुंबई में रहते हो. क्योंकि अगर मैं सही बता रहा हूँ, अगर मैं मुंबई में नहीं रहता होता तो मैं कभी फिल्म लाइन में नहीं आता. क्योंकि मेरा वो ऐसा माइंड नहीं है कि मैं अलग जगह पे जाऊं और वहां पे जाके कुछ करूं. तो ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मैं मुंबई से था. अब कैसे शुरुआत हुई, तो
मैंने जब सोचा कि मुझे एक्टिंग करना है, विद इन अ फ्यू डेज, एक होता ना फ्रेंड का फ्रेंड, हम लोग जब ग्रुप में मिलते हैं, तो वहां पे किसी ने मुझे ऑफर किया कि आप एक्टिंग करना चाहते हो क्या? तो मैंने, अरे मैंने बोला यार ये तो मतलब मैंने सोचा ही था, कुछ दिन पहले ही मैं सोच रहा था कि मुझे एक्टिंग में कुछ करना है, तो मुझे उन्होंने सामने से ऑफर दिया, तो मैंने बोला हाँ मुझे करना है, तो बोलते हैं कि कल एक काम कीजिए ऑडिशन के लिए आ जाइए। तो तब मुझे पता नहीं था कि ऑडिशन वगैरह क्या होता है, तो उन्होंने बोला आप डरिए मत, आप कल बस आ जाइए, आप मिलते हैं वहाँ पे और फिर बात करते हैं। मैंने ठीक है, मैं गया ऑडिशन देने, ये एड का ऑडिशन था और मैंने ऑडिशन हो गए, जैसे जैसे बताया मैंने किया और मैं सिलेक्ट हो गया। और मेरे लिए हमेशा ये एक कहना भगवान की कृपा रही है कि मैं सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच जाता हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी मैंने काम के लिए शुरुआत की है, मैं जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहां से मुझे काम मिला है, तो ये भगवान की दया है, कृपा रही है कि मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, जहां जहां मैं गया वहां से काम मिला और काम करता गया। वंडरफुल। सो अभी मैं आपको बता दूं कि 513 लोग जुड़ चुके हैं, बहुत लोगों के कमेंट्स और बहुत सारे सवाल आने शुरू भी हो गए हैं, मैं एक एक करके उनको एड्रेस भी करूंगा। जो ऑडियंस हमें अभी जुड़े हैं पिछले एक आध मिनट से, जो लोग जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि डॉक्टर हाथी तारक मेहता के का उल्टा चश्मा के हमारे साथ मौजूद है मिस्टर निर्मल सोनी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। एक सवाल मैं आपसे अभी ये पूछना चाहता हूं निर्मल जी, कि आपको 20 साल के करियर स्पैन में हमने बहुत काम करते हुए देखा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपसे जी टीवी के वारिश शो के दौरान आपसे जुड़ा था, आपको वहां से जानता था, लेकिन उसके पहले भी आर्यंस का एक गाना बहुत हिट हुआ था, देखा है तेरी आंखों को, जिसमें हमने आपको एक बहुत ही प्यारे से कैरेक्टर में देखा था, और उसके अलावा हमने आपको शूट आउट एट लोखंडवाला में देखा है, हमने कई सारे एड फिल्म्स में आपको देखा है। आपके इस 20 साल के करियर में व्हाट वाज दैट पॉइंट व्हिच क्लिक्ड एंड मेड यू अ हाउसहोल्ड नेम? आपको कौन से काम ने घर घर पहुंचा दिया, आपको निर्मल सोनी को लोगों तक पहुंचा दिया, लोग उनको जानने लगे चेहरे से? मैंने 2000 में एक्टिंग करना स्टार्ट किया, लेकिन जो आप जो पॉइंट बोल रहे हैं वो आया था 2008 में, जहाँ पे मैंने 3 प्रोजेक्ट एक साथ किए थे। फर्स्ट था शूट आउट एट लोखंडवाला, सेकंड जो एक शो आता था बिगेस्ट लूजर जीतेगा जो सारा बच्चा, और थर्ड था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये तीनों एक साथ आए 2008 में, वहां से लोगों ने मुझे पहचाना शुरू कर दिया था। ओके। सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से रिलेटेड मेरा एक सवाल है, मेरे ख्याल से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ऑडियंस मैं आपको बता दूं कि जी टीवी पे एक शो आ रहा था वारिस, जिसमें जब मैं थिएटर किया करता था उस दौरान, 2008 की बात है वो भी, तो मैं वारिस कर रहा था और तभी निर्मल जी से मेरी मुलाकात हुई थी। तो बहुत लोगों को नहीं पता है कि वारिस तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ वो वारिस के समय भी जुड़े हुए थे, और उसके बाद उन्होंने वो डिसकंटिन्यू किया था एंड देन ही ज्वाइंड अगेन इन 2019। सर तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2008, तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2019, इसके बीच में दोनों तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो में क्या चीज कॉमन आपको नजर आती है आज, और क्या डिफरेंस नजर आता है? देखिए, मैं जब तारक मेहता 2008 में जो स्टार्ट किया था, तभी एक नया शो था, लोग नए थे, पर जो वहां के जो लोग थे, चाहे एक्टर कह लो, डायरेक्टर कह लो, या पूरी टीम, तो वो पूरी टीम बहुत ही सपोर्टिव थी। और अगर आप बोलो 2019 में क्या चेंज था, तो लोग वही थे, पर एक शो जो नया नया स्टार्ट हुआ था वो शो आज नंबर 1 शो है। लेकिन जो कॉमन अगर बात कहे तो कॉमन ये था कि वही लोग सेम अभी भी वैसे ही है, वैसे ही फैमिली वातावरण है, सेट पे फ्रेंडली है सब लोग, तो जो चीज नहीं बदली है वो है लोगों का नेचर, अभी भी लोग वैसे ही है, डाउन टू अर्थ है, तो ऐसे लोगों के साथ काम करने का भी मजा आता है। मेरे ख्याल से ये कारण ही है कि ये शो इतना बड़ा हिट हुआ, जिसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े इन टर्म्स ऑफ टेलीकास्ट, इन टर्म्स ऑफ लॉन्गेस्ट रनिंग शो। जिस तरह का पूरा माहौल सेट पे है, जैसे आप इस समय काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, एक एक जो एक दूसरे के साथ लगाव है, एक दूसरे के साथ बना हुआ प्रेम है,
ईगो क्लैशेस नहीं है कैरेक्टर्स और आर्टिस्ट के बीच में, राइटिंग बहुत तगड़ी है, और आपके शो के प्रोड्यूसर जो सबको बांध करके लेकर के चलते हैं, मेरे ख्याल से दैट इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई द शो हैज बीन सच अ सक्सेस। देखिए अभी भी हम जैसे सेट पे जाते हैं अभी भी हमको लगता है कि आज पहला दिन है, पर लोग ऐसे है ना, फैमिली जैसा है, हम लोग आज भी एक दूसरे के लिए टिफिन लेके जाते हैं, जैसे अगर इनको ये पसंद है तो इसके लिए लेके जाते हैं, उनको उनको पता है कि मुझे क्या पसंद है, तो कभी उनके घर से कुछ बना है तो वो हमारे लिए लेकर आते हैं, तो अभी ऐसा नहीं लगता कि यार हम सेट पे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम दूसरे फैमिली के पास जा रहे हैं, तो बहुत ही मजा आ रहा है काम करने के साथ। एक सवाल मेरा स्पेसिफिकली है कि जैसा आपने 20 साल गुजारे हैं इस पूरे इंडस्ट्री में और आगे भी आप अभी बहुत काम करने वाले हैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको और सक्सेस मिलती रहे, जो कॉमेडी है फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री में, जो कॉमेडी है तू मैं श्रीमान श्रीमती, वो एक दौर था टेलीविजन का जब कॉमेडी शुरू हुई थी और वहां से लेकर आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा, भाभी जी घर पर है, बहुत सारे शोज कॉमेडी में जो अच्छा काम कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है पिछले 20-25 सालों में फिल्म इंडस्ट्री को आपने करीब से अंदर रहते हुए देखा है, कितना बदलाव आया है सर कॉमेडी में स्पेसिफिकली? देखिए कॉमेडी की अगर मैं बात करूँ ना तो जैसे कुछ शोज है, मैं किसी शो का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पहले जो कॉमेडी हुआ करती थी बहुत साफ सुथरी कॉमेडी हुआ करती थी, इवन तारक मेहता की जो कॉमेडी वो साफ सुथरी कॉमेडी है, पर ऐसे कुछ शोज है जो उन्होंने कॉमेडी को डबल मीनिंग कर दिया है, अगर आप देखें जी काफी अच्छे शोज है जो डबल मीनिंग हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि डबल मीनिंग बात करना कॉमेडी है, कॉमेडी कब होती है सिचुएशन होता है, एक्टर के एक्सप्रेशन होते हैं, सिचुएशन जो राइटर ने जो सिचुएशन लिखी है वो कॉमेडी है, कॉमेडी आप डबल मीनिंग बातें करके आप ऑडियंस को नहीं हंसा सकते, वो 2 मिनट अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे तारक मेहता क्यों आज इतना हिट है, इसे सालों से चलता आ रहा है, साफ सुथरी कॉमेडी है, तो ये आप घर के साथ बैठ मतलब लाइक अगर मेरी फैमिली बैठी है तो तारक मेहता शो देख सकता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि कुछ शोज ऐसे हैं जो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकता, चाहे वो भी कॉमेडी है ये भी कॉमेडी है, तो आप ऐसा काम करो साफ सुथरी, तो पहले की अगर आप पहले की फिल्में उठा लो उसमें भी साफ सुथरी कॉमेडी होती थी कि आप सिर्फ देखो तो आपको हंसी आ जाती थी, तो वो कॉमेडी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप फैमिली शो बना के, साफ सुथरा शो बना के, बिना कोई डबल मीनिंग डायलॉग्स डाले हुए, एक बिना फूहड़पन डाला हुआ, बिना किसी गंदगी को डाले हुए, आप शो को इतने लंबे दौर तक रन कर सकते हैं सक्सेसफुली और लोगों के घरों में, लोगों के दिलों में पहुंच सकते हैं, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है और बाकी शोज के राइटर्स को इससे बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कुछ उनको भी हम एड्रेस कर दें। राइटर करण हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी बहुत अच्छे राइटर हैं, इन्होंने कहा है कि वेरी वेल सेड अबाउट कॉमेडी। नंदिनी रावत हमारे साथ जुड़ी हैं, जिगर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ विकास, डॉक्टर राजेश उपाध्याय, माय डैड माय फादर ही इज वाचिंग यू लाइव राइट नाउ, ही इज अ वेरी गुड वेरी बिग फैन ऑफ योर्स, और भूपिंदर चंडला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मतलब मोर देन 511 पीपल आर देयर वॉचिंग अस लाइव। और मैं अपने अगले सवाल के पास चलता हूँ कि मुझे याद है जब हम बारिश कर रहे थे और आपने उसके कुछ वक्त पहले बिगेस्ट लूजर जीतेगा शो कंप्लीट करके आप आए थे, तो उसमें आपने काफी वेट लॉस किया था, लेकिन आपने मुझे बाद में ये भी बताया था कि ये जो आपका वेट है या ये जो आपकी पर्सनालिटी है या आपके कैरेक्टर में आपकी कॉमेडी में एक एडिट एडवांटेज ऐड करती है, एक वेटेज ऐड करती है, तो मेरा सवाल इस पर है कि आज के समाज में फैट शेमिंग और बॉडी शेमिंग को जो है मतलब इसका बहुत बड़ा पैमाना चल रहा है, आपने इंडस्ट्री में किन चीजों को फेस किया है और कैसे आपने इस वेट के साथ अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई? देखिए ये सवाल का जवाब तो मैं बहुत लंबा देना चाहूंगा क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सब जानना भी चाहते हैं, ये सवाल मैं आपको रोक रहा हूँ, ये सवाल कम से कम 10 लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा है कि आप जरूर पूछिएगा उनसे कि इंडस्ट्री इसको कैसे लेती है। देखिए इंडस्ट्री तो बहुत अच्छे से ले रही है, इससे तो आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पर मैं आपको जो होता है ना कि जो लोग हमारे जो आजू बाजू लोग होते हैं वो उस चीज को कैसे लेते, सिर्फ ये फैट शेमिंग की बात नहीं है, आप कलर टोन को ले लो या कोई भी, जैसे कोई काला है तो उसको लेके बहुत सारी चीजें होती, सुनील जी बताओ ना कि जो जैसा है ना
उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो। जी अब जो तुम्हारा सवाल है उसका मैं जी जवाब देना जी चाहूंगा। बचपन से मुझे लोग, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो मुझे चिढ़ाते रहते थे, मोटू मोटू या मोटा ये व्हाटएवर। तो मैं पहले बहुत भड़कता था उनपे। मैंने इवन, तुम मानोगे नहीं, मैंने कई लोगों को मारा है इसके लिए। अगर किसी ने मुझे मोटा बोला है, मैंने जाके उसको मारा है। लेकिन एक होता है ना कि आप एक टाइम के बाद आपको समझ में आता है कि अब मैं, क्योंकि ये मेरा हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, लाइक मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, इवन मेरे नाना नानी, दादा दादी, सब ओवरवेट बिल्कुल, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मेरा जनरेशन से चला रहा है। तो मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, इवन मैंने बिगेस्ट लूजर में भी कम किया था, पर वो वापस जी अपने जी वही जी जी वापस अपने जगह पे वापस एक वजन आ गया। तो मुझे समझ में आ गया था कि अब मैं इसको कुछ चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये जो मेरा नेगेटिव पॉइंट है इसको मैं कैसे प्लस कर सकता हूँ। तो मुझे ये इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा, मतलब, सपोर्ट किया इस मामले में। अगर आप देखे जाए कि मेरे कैरेक्टर जो लिखे जा रहे, जो मोटापे पे जो कैरेक्टर, चाहे मजाक उड़ा रहे या कुछ भी हो, पर आज मैं अपने बलबूते पे खड़ा हूँ। अगर कोई मुझे मोटा बोलता है, अब किसी की हिम्मत नहीं है मुझे मोटा बोलने की, क्योंकि अब मैं एक डॉक्टर हाथी हूँ, वो वेल नोन एक्टर हूँ, तो अब कोई मुझे मोटा नहीं बोलता। तो मेरा जो माइनस पॉइंट था कि मैं मोटा हूँ, मैंने उसको प्लस पॉइंट में बदल दिया एज अ एक्टिंग, मतलब एज अ एक्टर बन के। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं, जो ऑडियंस भी देख रही है, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप जैसे हो ना वैसे ही अच्छे हो, किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आपका जो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, आप उसको कैसे बिल्कुल प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आप देख लो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मुझे एक बात इसमें ऐड करनी है कि जो वेट है या जो कलर है या ये जो सारी चीजें, ये सवाल पूछना जरूरी था, क्योंकि बहुत लोगों का कहना था कि ये सवाल आप पूछिएगा, मगर मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो ये है आपके लिए कि मतलब अगर आप बुली भी हुए हैं अपने स्कूल में या आपने बहुत सारी चीजें झेली हैं अपने करियर के स्टार्टिंग के दौरान में, तो उन चीजों ने कहीं ना कहीं आपको मजबूत बनाया। और आज जिस तरह के कलाकार बन के आप उभरे हैं, मेरे ख्याल से वो एक एडवांटेज बना आपके लिए। और आज आप इतने क्यूट, इतने प्यारे लगते हैं कि मतलब इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। मैं आपको एज अ फ्रेंड जानता हूं, लेकिन फैंस जो आपके हैं वो मुझे आपके शो, इस इंटरव्यू के एड्स के डालने के बाद पता चला कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं। और लोग मतलब पागल है मेरे पीछे। मुझे कई लोगों को ब्लॉक करना पड़ा भाई, मैंने बहुतों को ब्लॉक किया है जो मेरे पीछे पड़ गए, तो मुझे नंबर दो नंबर दो नंबर दो। तो आपको एक बहुत अच्छा अच्छा प्यार मिलता है, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो आगे मिलता रहे। तो जैसे कि ऑडियंस देख रहे हैं कि कितने हम्बल, सुनील, कितने डाउन टू अर्थ। जी जो ये जो बिल्कुल एक यही टॉपिक पे मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा जो मेरे साथ हुआ था। बिल्कुल कुछ बिल्कुल साल पहले मैं बाइक पे जा रहा था, मैं सिग्नल पे रुका हुआ था, तो बाजू के बाइक पे एक लड़का बैठा हुआ था, जो दो लड़के वो हंस रहे थे मेरे पे मोटा मोटा करके। तो जैसे ही ओके सिग्नल चालू हुआ ना, वो दोनों भाग गए। तो मैंने उनको फॉलो किया, ओके तो वो समझ गए कि ये हमें फॉलो कर रहा है। तो वो भाग रहे थे भाग रहे थे भाग रहे। कम से कम 5 मिनट के बाद पीछा करने के बाद मैंने उनको पकड़ा, क्योंकि एक सिग्नल पे वो रुक गए, और मैंने वहां पे पकड़ा। मैंने खाली उसको, जो पीछे बैठा हुआ था जो बहुत हंस रहा था, मैंने उसको बोला, तूने अपना चेहरा देखा हुआ है? तो क्योंकि क्या हुआ मालूम है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसके रंग, वो काला था, ठीक है, मैं रंग के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें कोई तुम्हें काला बोलता है तो तुम्हें कैसा लगता है? नहीं अच्छा लगता ना, तो तुम मुझे मोटा बोलने का तुम्हारे पास हक है। तुम पहले अपना देखो, बिल्कुल आप जब किसी को आप चिढ़ाते हो, तुम मोटा है, तू पतला है, तू काला है, तू ऐसा है, तो आप सबसे पहले ना आईने में अपना चेहरा देखे कि आप क्या है, फिर किसी और का मजाक उड़ाइए। सही बात है। मेरे ख्याल से यहां से मैसेज यही निकल करके आता है कि वो बंदा इतना शर्मिंदा हो गया, सॉरी बोला, बोला भाई सॉरी, बोला भाई मुझे सॉरी मत बोल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आज के बाद तू किसी को भी, मतलब तू किसी को चिढ़ाए ना, अपना चेहरा आईने में जरूर देख लेना कि तू क्या है। सही बिल्कुल बिल्कुल। मेरे है, ख्याल से वो यहां आता से है। एक मैसेज ये निकल करके आता है कि कमियां
जो है वो सबके अंदर होती हैं, किसी के अंदर शारीरिक रूप से होंगी, किसी के अंदर टैलेंट के रूप में होगी, लेकिन उन कमियों को ना आपको किसी और के लिए पॉइंट आउट करना है, ना कभी अपने आप पे किसी और को पॉइंट आउट होने देना है. यू डोंट हैव टू गेट बुलीड बाय पीपल, रादर यू हैव टू बिल्ड इट अप इन अ वे दैट यू कम आउट एज अ सक्सेसफुल पर्सन डिस्पाइट हैविंग एडवर्सिटीज इन योर लाइफ. सो दैट्स सम मैसेज दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम योर सेइंग. आई हाईली अप्रिशिएट दैट. हैविंग सेड दैट, ये होता है ना कि आप अभी जैसे अपना जो देश का टॉपिक है, लाइक लोग लड़कियां छेड़ते हैं, तो लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं, वो कपड़े कम पहने ज्यादा पहने ये प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है लड़कों ने जो लड़कियों को छेड़ते हैं. सुधारने की जरूरत है लड़कों को. सेम वे यहाँ पे अगर कोई मुझे मोटा बोलता है तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम उसका है, उसको अपनी सोच में सुधार लाना चाहिए. तो यहाँ प्रॉब्लम अपने इंडिया में ना ये थोड़ा सोच का प्रॉब्लम हो जाता है, जहाँ लोग सोचना शुरू कर देने कि भाई मुझे किसी को बुली नहीं करना है या सही मायने में कैसे रहना, अगर वो बंदा सीख जाए ना तो हमारे देश में कोई परेशान नहीं होगा. ग्रेट 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 मैसेज फ्रॉम यू निर्मल जी. अंकुश श्रीवास्तव का मैं एक सवाल लेना चाहता हूँ. हमारे व्यूअर्स में से उन्होंने क्वेश्चन किया, इज वेरी गुड राइटर एंड वेरी गुड पोएट आल्सो. सो इट्स ग्रेट टू सी यू हियर निर्मल सर एज एन आर्टिस्ट एंड एक्टर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मच गोइंग सब्जेक्ट ऑफ नेपोटिज्म? एनी कॉमेंट्स ऑन दैट? मुझे एक बात बताइए, सिर्फ बॉलीवुड में ही है क्या नेपोटिज्म? आप मुझे एक बात बताओ, जो भी अंकुश श्रीवास्तव जो भी अच्छा सवाल पूछा, काफी टाइम से ये टॉपिक चल रहा है नेपोटिज्म नेपोटिज्म. मुझे एक बात है, सिर्फ बॉलीवुड इसलिए ये सब्जेक्ट में आ जाता है क्योंकि सब इसमें इंटरेस्ट लेते हैं. बाकी मुझे एक बात बताओ, क्या जैसे आज कोई कॉर्पोरेट में भी नेपोटिज्म नहीं है? सीईओ का जो ओनर होता है उसका बेटा ही ओनर होता है, ऐसा देखा है कि कोई मामूली एम्प्लॉय है उसको किसी फैक्ट्री का मालिक बना दिया? नहीं ना, वो भी तो नेपोटिज्म है. तो नेपोटिज्म हर जगह है. अभी जैसे बीच में करण जौहर का एक इंटरव्यू था कि अरे मैं अपनी फूफा की लड़की को लॉन्च करूं या ताऊ के लड़की को लॉन्च करूं, वो उसका प्रॉब्लम है. आपको आप करण जौहर एक अकेला कोई प्रोड्यूसर नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए लोग को लॉन्च करते हैं. आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, लोग दे रहे नहीं दे रहे उससे आपको फर्क नहीं पड़ता. आप अपना काम कहां से निकाल सकते हैं वो आपको देखना है. नेपोटिज्म हर जगह है. इवन इवन बीच में कास्टिंग काउच हो या मी टू का जो मूवमेंट चला था, तो मुझे एक बात बताओ, कहां ये दूसरे हर जगह नहीं है क्या? मी टू मूवमेंट तो हर कोई इंडस्ट्री में होता है. कॉर्पोरेट में कर लो या आज कोई ऑफिस में काम करते हैं, वहां लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, तो वहां पे भी ये मी टू मूवमेंट काम हो गया. तो होता हर जगह है, पर बॉलीवुड इंडस्ट्री क्योंकि ग्लैमरस है, लोगों को दिखती है, लोगों को उनके उनमें इंटरेस्ट होता है, इसीलिए ये टॉपिक हमेशा बॉलीवुड पे ज्यादा थोपा जाता है. बाकी बॉलीवुड अगर आप जैसे फिल्मों की स्टोरी जो बनती है, कोई फिल्म बनती है, कोई सीरियल बनती है, ज्यादातर ये रियल लाइफ से इंस्पायर होके स्टोरी लिखते हैं ना. ये जो यहाँ पे राइटर्स है वो भी जो जब कोई कहानी लिखते हैं तो रियल रियल जो मुद्दा हुआ होता है वहीं से तो इंस्पायर होते हैं ना. तो बाहर पहले होता है, इंडस्ट्री में बाद में होता है. अगर हम नेपोटिज्म की बात करें तो काम मिल जाएगा आपको नेपोटिज्म के बेस पे मेरे ख्याल से, लेकिन उनका सस्टेन करना, उनका उस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना, वो हमारे हाथ में है. अगर टैलेंट है तो वो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, वरना नेपोटिज्म के तो बहुत प्रोडक्ट हैं. कहां सारे के सारे सक्सेसफुल? अभी मुझे एक बात ना, ये जो देखो नाम भी याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है, उदय चोपड़ा. हाँ, अब देखो चाहे उसके पापा ने उसके भाई ने इतनी बार लॉन्च कर लिया, पर नहीं चला तो नहीं चला. तो जरूरी नहीं कि हर नेपोटिज्म, नो डाउट उसको एक लॉन्च बहुत बढ़िया मिल जाता है, पर ऑडियंस उसको एक्सेप्ट भी तो करनी चाहिए. अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत का है, नो डाउट ऑडियंस उसको बड़ी मुश्किल से बाद उसको लॉन्च मिला होगा, लेकिन जब भी मिला होगा तो उसने ऑडियंस ने ही एक्सेप्ट किया है ना. तो ये सब ना हर जगह है भाई. यहाँ किसी ने डिसएग्री लिखा है भाई, वो आपका ओपिनियन है, मेरा ये मेरा ओपिनियन. बिल्कुल बिल्कुल, एवरीबॉडी विल हैव देयर ओपिनियन, राइट?
बट मेरे ख्याल से मैं भी इस बात पर अग्री करता हूँ कि नेपोटिज्म हर जगह पे है, टैलेंट सस्टेन करता है। नेपोटिज्म से शायद चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए लेकिन अंत में सस्टेनेंस इंपॉर्टेंट है, टैलेंट जो है वो ग्रो करता है, वो सस्टेन करता है। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो सारे सवाल आपसे जो हो रहे थे वो एज एन एक्टर हो रहे थे, मैं जानना चाहता हूँ कि निर्मल सोनी अपने पर्सनल स्पेस में क्या करते हैं, एज अ घर में अपने पेरेंट्स के बच्चे, अपनी बहन के भाई के रूप में वो कैसे अपना समय गुजारते हैं? देखिए, अगर मेरा शूट नहीं होता तो सबसे पहले तो, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि शेड्यूल बहुत हैवी होता है, 12-12 घंटे हम लोग काम करते हैं, तो जैसे पहला दिन मिलता है पूरा दिन तो मैं सोता रहता हूँ। अगर नेक्स्ट डे छुट्टी हुई क्योंकि क्या हो जाता है ना कि जैसे 7 to 7 की शिफ्ट होती है, आपको सबसे पहले सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है, ठीक है, तो उसके बाद पूरा दिन चलता है। और 7 बजे घर पे आके, मुंबई में कौन 7 बजे या 9 बजे सोता है, तो सोते सोते बच जाता है 1-2, फिर आपको नेक्स्ट डे अगर वापस 5:30 बजे उठना होता है, तो कंटिन्यूसली इतना लंबा चलता है ना, तो पहला दिन तो मेरा सोने में जाता है। फिर सेकेंड डे अगर छुट्टी हुई तो फिर मैं सोचता हूँ तो क्या करना है, तो तभी मैं अपने फ्रेंड्स लोग से मिलता हूँ, मूवीज देखता हूँ। गेम्स खेलने का मुझे बहुत शौक है, ऑनलाइन गेम बाहर, क्रिकेट वगैरह नहीं, तो ऑनलाइन गेम है तो वो खेलता हूँ मैं। फैमिली के साथ बैठते हैं, मेरे कजिन है तो कभी मौका मिला तो कभी वो हमारे घर पे आते हैं, कभी हम उनके घर पे जाते हैं, तो फैमिली गेट टुगेदर कर लेते हैं, तो ऐसे टाइम निकलता है। मैं बेसिकली मैं जो आना ऑडियंस में देख रहे हैं, पढ़ते हाँ हाँ मैं उन लोगों को भी ये बात बता दूं, शायद वो स्केड्यूल्स के बारे में नहीं जानते होंगे, फिल्म इंडस्ट्री में स्केड्यूल्स कैसे होते हैं। 12-12 घंटों की हाँ शिफ्ट होती है लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो वो 14-14, 15-15 घंटों की शिफ्ट हो जाती है, और उसके बाद मुंबई के ट्रैफिक से आपको घर पहुंचना भी है और घर से सेट पे पहुंचना भी है। तो मॉर्निंग 7 to इवनिंग 7 की शिफ्ट होती है, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 की शिफ्ट होती है, दोपहर के 2 से लेकर के रात के 2 तक की शिफ्ट होती है, और एक शिफ्ट होती है मेरे ख्याल से शाम को 7 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक की। तो जो आर्टिस्ट डेली सोप कर रहे हैं या जो एक एक पैक्ड स्केड्यूल में डेली शूट कर रहे हैं, उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा परेशानी वाली होती है। मैंने देखा है वैनिटी में सोते हैं एक्टर्स जो है, वो थोड़ा सा समय मिल गया, अगर शॉट में ब्रेक मिला है 2 घंटे का तो आधे घंटे की एक शॉर्ट नैप ले लेते हैं। मैं जैसे एक एक दिन का शेड्यूल बता देता हूँ कैसे होता है। जैसे अगर जी 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 सात जी बजे वही जैसे मेरा सवाल अगला था कि आपका पूरे दिन का हाँ शेड्यूल कैसे होता है? हाँ तो मैं वही बता देता हूँ। जैसे अगर सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती है तो आपको 5:30 बजे सुबह उठना पड़ेगा, क्योंकि रेडी होना है, और फिर ट्रैवलिंग का भी आपको टाइम देखना है। अगर आपको कहीं दूर जाना है, अभी जैसे मैं रहता हूँ राइट नाउ बोरीवली, और मैं शूट के लिए जाता हूँ गोरेगांव, तो मेरे लिए ये डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए मैं 5:30 बजे उठता हूँ, ठीक है, आधा पौना घंटा तैयार होने में, आधा पौना घंटा पहुंचने के लिए। 7 बजे आप तट पे जाते हो तो आप मेकअप कराते हो, थोड़ा नाश्ता करते हो, स्क्रिप्ट पढ़ते हो, रीडिंग होती है, और शूटिंग करते करते अराउंड 1:30 बजे लंच ब्रेक होता है जो आधे घंटे का होता है, फिर से शूटिंग स्टार्ट होती है। देखिए अभी बहुत ऐसा हो गया है कि अभी शूटिंग एक्सटेंड नहीं कर सकते, वरना पहले तो क्या होता था ना कि जो 12 घंटे की शिफ्ट होती थी वो कभी कभी 15 घंटा, 16 घंटा, इवन मैंने तो 24 24 घंटे की शिफ्ट भी की है कि दो दो दिन कंटिन्यू शूट करें क्योंकि टेलीकास्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आजकल भगवान की दया से ऐसा मुझे नहीं है, पता है तो बारिश में ये चीज हो चुकी है जी टीवी हम पर, लोग ने किया हुआ है 24 24 घंटे, मतलब हम आप लोगों सुबह ने किया सात हुआ बजे है आए हो तो दूसरे दिन तक शूट करते थे, तो देन अगर 7 बजे पैकअप बिल्कुल। हुआ है तो घर पे आते आते, क्योंकि शाम का ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो घर पे आते आते 8:30 बज जाते हैं। घर पे आने के बाद आप फ्रेश हुए, आधा घंटा उसमें चला जाता है, फिर एक जगह पे बैठो ना, फिर कहीं उठने का मन नहीं करता क्योंकि पूरा दिन की जो थकान होती है ना, और फिर थोड़ा फ्रेंड लोग से बात कर लिए ये वो, तो ऐसे ही पूरा शेड्यूल हो जाता है पूरा दिन का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो ऑडियंस में देख रहा हूँ उनको बता दूं कि मैंने निर्मल के साथ में काफी समय गुजारा है, हम बारिश में सेम वैनिटी शेयर करते थे, तो उस समय इंडिया में नया नया आईफोन लॉन्च हुआ था, सो ही हैड दैट आईफोन नॉट फ्रॉम इंडिया, ही हैड बॉट इट समवेयर फ्रॉम आउटसाइड, और जो फ्री टाइम था अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ही यूज टू प्ले गेम्स। तो इन्होंने जो बात बताई थी
एक सेकेंड, somebody is requesting, I can't accept that. So, जो फ्री टाइम होता था अपने आप को रिलैक्स करने के, निर्मल वो समय गुजारा करते थे गेम्स खेल करके, और दैट वॉज समथिंग दैट ही यूज्ड टू डू. अंकुश का एक सवाल है वो मैं लूंगा, और उसके बाद आज के सेशन का आखिरी सवाल पे मैं आऊंगा. मुझे पता है आपका आज का भी शेड्यूल काफी टाइट है तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. अंकुश का एक सवाल है, हु इज योर फेवरेट मेल एंड फीमेल एक्टर्स? फीमेल में अगर देखे जाए तो माधुरी दीक्षित है, मीना कुमारी. ओके. और मेल में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और आमिर खान. सुपर सुपर, वेरी नाइस. अंकुश आपको आपका जवाब मिल गया. अब आज के सेशन का मेरा आखिरी सवाल है आपसे. बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के शहरों से आते हैं और एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, थिएटर ज्वाइन करते हैं. कई लोगों को पता नहीं होता करना कैसे, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो एक्टर बने. उन सारे बडिंग और एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है, और आप उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि उनको कैसे काम करना चाहिए? ओके. देखिए, सबसे पहले तो जो मुंबई में रहते हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो आधा स्ट्रगल खत्म हो जाता है. जो बाहर से आते हैं उनके लिए मैं एक सबसे पहले एडवाइस ये देना चाहूंगा कि आप अपने फैमिली के साथ मतलब फैमिली को समझा. काफी लोग होते हैं झगड़ा करके आ जाते हैं या भाग कर आ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें. अपनी फैमिली का सपोर्ट लेके, मम्मी पापा का सपोर्ट लेके आप मुंबई आइए, उनके आशीर्वाद लेके आइए. फिर क्योंकि क्या होता ना कि मैंने फ्रेंड्स देखे हुए जो भाग के भी आए हुए हैं, फैमिली से झगड़ा करके आए हुए हैं, तो वो बड़ा दुख हो जाता है. तो सबसे पहला तो एडवाइस यही है कि फैमिली के साथ एग्री करके फिर आप आइए. दूसरा ये ऑप्शन में देना चाहूंगा, आइडिया देना चाहूंगा कि आप ना एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम की भाई, जैसे आज मैं आया हूँ मुंबई, तो मैं अपनी लाइफ का कितने टाइम मैं ये प्रोफेशन को दूंगा. लाइक अगर जैसे दो साल, अगर जैसे एग्जाम्पल कि मैं आज मुंबई में आया हूँ, मैं अपने आप को दो साल दूंगा. अगर दो साल में कुछ नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि अगर नहीं हो रहा है तो फिर भी पांच साल, दस साल, पंद्रह साल अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली, ऐसा मत करो. दो साल में उसको आगे भी आपको मैं बता रहा हूँ कि दो साल में क्यों बोल रहा हूँ. तो क्या है ना कि दो साल दो, वो दो साल में अगर आप कुछ कर पाते हो तो वो जो दो साल है उसको बढ़ा के तीन साल कर दो. जैसे मैं अपना स्टूडेंट में खुद में अपना जो मैंने एक शेड्यूल बनाया था वो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा. मैं जब इंडस्ट्री में आया था मैं 19 साल का था, ठीक है. और मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने अपने आप को 6 साल दिए थे क्योंकि मैं मुंबई से था, मेरे पास ऑप्शन थे, मेरा फैमिली बिजनेस था यहाँ पे, मुझे वो नहीं था. इसलिए मैंने अपने आप को 6 साल दिया था कि मैं जब तक 25 साल का हो जाता हूँ तब तक मैं अगर कुछ कर पाता हूँ तो ही मैं ये इंडस्ट्री में आगे बढ़ूंगा, वरना फिर मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगा. तो जैसे मैंने कहा कि मुझे स्टार्टिंग में ही इतने इतने अच्छे अच्छे ऑफर मिलने लगे थे, काम करने लगा था, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है अभी मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ. फिर भी मैंने अपने आपको और दो साल दिए कि अगर ये दो साल में अगर कुछ नहीं होता तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. तो क्या होता है ना अभी कैसे आउट ऑफ मुंबई से कोई आता है, दो साल में कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो एक एक साल बढ़ाते जाओ. अगर फिर तीन से चार साल में अगर कुछ नहीं होता है तो प्लीज आप अपने घर वापस लौट जाइए, अपना जो अपने शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहिए, वो उन्होंने जो लाइफ आपके लिए सोची है वो लाइफ जिए. उन्होंने आपको मौका दिया कि आपकी जो आपको जो चॉइस थी वो आपने ये क्या हुआ? Can you see me? हाँ हाँ अभी. तो मैं हाँ जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके मम्मी पापा ने आपको ऑप्शन दिया कि ठीक है आप अपना दो साल तीन साल आपको जो भी है आप अपना कर लो. मैं उसी तरह आपको भी अपने मम्मी पापा को मौका देना चाहिए कि जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो वापस उनके पास जाइए, वो जैसा सोचते हैं वैसा आप लाइफ जिए. दूसरी बात सुष्मिता का एक सवाल है इसमें, सुष्मिता जी का एक सवाल है इसमें, शी इज माय वाइफ, उनका सवाल लेना बहुत जरूरी है मेरे लिए कि हाउ डिफिकल्ट इज इट टू शिफ्ट फ्रॉम टीवी इंडस्ट्री टू बिग स्क्रीन. आई बिलीव टीवी से फिल्म्स में जाना या फिल्म से टीवी में आना, क्या इसमें दिक्कत आती है? देखिए
मेरे लिए तो नहीं, क्योंकि मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई लीड नहीं हूँ, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। लीड जो लड़के लड़के होते हैं, लड़के लड़कियां, उनको होता है डेफिनेटली। अब जैसे आप बेस्ट एग्जांपल है सुशांत सिंह राजपूत, वो टीवी करते थे, टीवी से फिल्मों में आए, मुश्किल होता है, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी आप वेल नोन हो जाते हो। जैसे सुशांत ने पवित्र रिश्ता किया था, तो ऑडियंस में उसका ऑलरेडी एक ऑडियंस बेस था कि लोग उसको जानते हैं, फेम था, तो उसके लिए सपोर्टिव होता, काफी आसान हो जाता है। पर उसके बाद उसकी रियल स्ट्रगल स्टार्ट होती है पहली फिल्म के बाद, अगर वो फिल्म हिट नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। अगर पहली फिल्म हिट होती है तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाला है। तो आई डोंट थिंक सो, ये बहुत सब्जेक्टिव है। लोग स्विच भी करते हैं, लोग सक्सेसफुल होते हैं, कई लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, फिर वो अपनी प्रीवियस स्ट्रीम में चले जाते हैं। इवन अभी आप देखो, मैं नाम नहीं लूंगा, पर दो तीन ऐसे लोग हैं जो टीवी से फिल्मों में गए पर वहां नहीं चल सके, तो वो वापस टीवी में आ गए। तो ये जरूरी अपना अपना लक होता है कि कहां कैसे कोई काम करेगा। Well said. So that we come to the end of this session. एक मैसेज मैं सेशन के एंड में जो हमारे व्यूअर्स उनको दे दूं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, मेरा चैनल है सुनील उपाध्याय योर पोएट नाम से, जिसपे कल हिंदी दिवस के अवसर पर एक मेरी वीडियो जो है वो रिलीज होने वाली है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जो लोग निर्मल के फैन हैं, बहुत सारे फैंस हैं, उनको निर्मल खुद बताएंगे कि आप उनसे कहां जुड़ सकते हैं और उनके काम को आप कहां देख सकते हैं। निर्मल जी, मैं इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव रहता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है निर्मल सोनी वन, वहाँ पे मैं रोज कुछ ना कुछ स्टोरी पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ। फेसबुक पे मैं निर्मल सोनी के नाम पे हूँ, लेकिन सॉरी वो मेरा पर्सनल, मैंने वो जोन रखा हुआ है जहाँ मैं बाहर के लोगों को ऐड नहीं करता। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कीजिए, तो वो बेटर रहेगा। वहाँ मैं रिप्लाई भी करता हूँ लोगों को, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। चलो, तो इस सेशन के बाद बहुत सारे रिक्वेस्ट आपको आने वाले, बहुत सारे सवाल आपको आने वाले। इंस्टाग्राम पे निर्मल सोनी आपके लिए अवेलेबल है। डॉक्टर हाथी फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, थैंक यू सो मच निर्मल जी, आपने अपना समय निकाला हमारे सेशन में, इस डिस्कशन में आप हमारे साथ जुड़े। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आगे आपको अपार सफलताएं मिलती रहे। थैंक यू सुनील, थैंक यू, बाय, थैंक्स, बाय, टेक केयर।